हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर वन, ठीक है, पेपर वन क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट यूनिट मॉडलिंग ऑफ, हमारी फर्स्ट यूनिट जो इलास्टिसिटी चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, मॉडलिंग ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि हमारा जो हुक्स लॉ है उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेस अपॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन में हम अगर स्ट्रेन करते हैं तो एक हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है इलास्टिसिटी का, ठीक है। और उस इलास्टिसिटी के कॉन्स्टेंट्स को अब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चों ये पढ़ा था कि जो हमारे स्ट्रेस हैं वो तो हमारे दो तरीके के होते हैं और स्ट्रेन हमारे तीन तरीके के होते हैं, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक के लिए, दोनों के लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए, जो तीसरा हमारे होता है, उसके लिए शेयरिंग स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को अगर हम करें तो हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट्स आते हैं, राइट। तो उन तीनों के बारे में आज अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक और कॉन्स्टेंट भी आता है वैसे तो हमारा पॉइजन रेशियो का, ठीक है, उसको भी आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो है हमने इलास्टिसिटी के ऊपर, प्लास्टिसिटी क्या होती है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ये आपका रिजिड बॉडी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है इसके टाइप, स्ट्रेन क्या होती हैं इसके टाइप, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के बाद हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम एक एक करके हम सारे के सारे इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, बच्चे ये दो नंबर में आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, कि आपका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी वो बता देगा और कहेगा इसको डिस्कस करो, राइट। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे दो स्ट्रेस और तीन स्ट्रेन हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो के लिए तो एक ही बता रखा है, नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, तीसरे के लिए हमारा शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो तीन अगर आपके स्ट्रेन्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग तीन ही हमारे इलास्टिक इसके अंदर आएंगे, मॉडल ऑफ इलास्टिक आएंगे, ठीक है। तो उनको हम लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, पहले तो उनके नाम लिख लेते हैं। पहला है बच्चों हमारा यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है वाई से। सेकंड है बेटा हमारा बल्क मॉडुलस, इसको के से डिनोट किया जाता है। और थर्ड है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसको नीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब इनकी डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यंग मॉडुलस, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, उसके बाद आप इसके आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पहले, तो फिर मैं समझा देती हूँ। फॉर ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए वायर और थिन रॉड विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस को डिनोट किया जाता है वाई से, और ये हमारा रेशियो होता है किसी भी, मतलब इसको हम किसी भी वायर या किसी भी रॉड के अगर फॉर्म में देखें तो किसी अप्लाई करें तो जो नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, ठीक है, उसको हम, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो इफ़ ए हम कोई वायर कंसिडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा, एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका, अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन हमारा ए, और उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं सब्जेक्टेड
टू ए फोर्स एफ एंड देयर इज एन एक्सटेंशन स्मॉल एल इन लेंथ डिवेलप्ड देन यंग मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच कैन बी गिवन एज नॉर्मल स्ट्रेस. स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज कितना आया लेंथ में अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो चेंज आया लेंथ में अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ये था. तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एल बाई ए स्मॉल एल. ठीक है, तो यंग मॉडुलस इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, आपके एग्जाम में अगर कोई भी दिया होगा, ठीक है, जैसे कोई सर्कुलर फॉर्म ले रखी है या आपने कोई रोड ले रखी है उसके अंदर अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेंथ में कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल लेंथ कितना है, फोर्स कितने पे लगाए, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी. बेटा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, सीधी वैल्यूज़ पुटअप करने वाले क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ध्यान रहे इस पेपर में. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये यंग मॉडुलस में आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया हमने किसी भी चीज़ का, जैसे आपका कोई भी सर्कल, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका पाई आर का स्क्वायर होता है, उसका सर्कल कोई भी वायर हमने ले रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया आप उसका वो पुट कर दोगे, फोर्स आपको पता ही है एम जी का हम पुट कर रहे हैं, और रेडियस अगर आर लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ इतना बता के आना है पेपर में, इसे फालतू नहीं. ठीक है, सेकेंड है हमारा बल्क मॉडुलस. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, कि किसी भी इलास्टिक लिमिट में, क्योंकि अब बल्क वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, यंग लेंथ से रिलेटेड है. ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए भी बेटा हमने क्या बताया था, वॉल्यूम और लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं बल्क मॉडुलस. ठीक है, तो इसको हम डिनोटेड करते हैं के से, इट इज़ डिनोटेड बाई के, और लिखिए within elastic limit the ratio of normal stress to the volumetric strain is called bulk modulus of इलास्टिसिटी. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला तो वही होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम उसको जो स्ट्रेस लगेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, वहाँ पे स्ट्रेस सिंपल वैसे कोई ना लिखेंगे, वो तो प्रेशर के फॉर्म में हो गया, तो हम इसमें प्रेशर मान के चल लेते हैं कि हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना लिख के प्रेशर लिख देते हैं. ठीक है, तो कई कई न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर के फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है. ठीक है, तो लेट पी बी uniform pressure applied to a body and it causes a change in volume V for the original volume capital V. तो बल्क मॉडुलस जिसको हम के से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस को तो मैंने प्रेशर भी बोल दिया, और ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ प्रेशर से, उससे ओरिजिनल वॉल्यूम पे. ठीक है, तो प्रेशर ये हो जाएगा, कैपिटल भी ऊपर चला जाएगा और चेंज इन वॉल्यूम नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर इस बल्क मॉडुलस का मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ ना बेटा, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, तो लिख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी, इसको डिनोट किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी को. ठीक है,
तो कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो आप लिखोगे कंप्रेसिबिलिटी इज रेसी प्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है? और ये कितना होता है 1/k, ठीक है? और इसका जो भी आपकी ये है, आपका बल्क मॉडुलस है, वो इनकम्प्रेसिबल चीज़, मतलब इनकम्प्रेसिबल जो चीज़ उसकी मेजरमेंट की निकालता है, ठीक है? तो चलिए अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है? इसको बेटा डिनोट नीटा से किया जाता है, ठीक है? तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन जो होता है आपका, वो क्या होता है? शियरिंग मॉडुलस होता है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है? तो आप लिखोगे विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड द शेयर मॉडुलस, ठीक है? इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस है तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, और शियरिंग स्ट्रेन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ध्यान हो, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा एफ ए इंटू थीटा, ठीक है? और थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे, अगर करना चाहें तो, ठीक है? तो एक बार अगर आप लिखोगे कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के उसमें ए है आपका और उसमें शेयर थीटा का आ रहा है, ठीक है? तो एक बार इस चीज़ को भी लिख लेते हैं ना, ठीक है? तो इफ़ यहाँ इसके लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है? इफ एफ बी द फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अपॉन अपर फेस ऑफ सरफेस एरिया ए एंड कॉस ए शियर थीटा इन ब्लॉक, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है? और आपको अब सभी के उसमें अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है बेटा, तो आप ध्यान रखना कि यूनिट्स आपकी क्या रहेंगी, यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई क्या रहेगी आपकी, यूनिट यूनिट किस पे डिपेंड, देखो कोई भी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ के अंदर चेंज कितना आ रहा है, जिस चीज़ में चेंज आ रहा है अपॉन में वही उसका ओरिजिनल है। लेंथ में ले रहे हो तो लेंथ में कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो यूनिट तो मेरी स्ट्रेन की तो कुछ रही ही नहीं, सिर्फ किसकी आई, स्ट्रेस की आई। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो स्ट्रेस की जैसे रहेगी, सेम एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की उसमें क्या थी, SI यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, हमारा डायमेंशन हो जाएगा ML-1 T-2, ठीक है? तो यहाँ तक आपके ये तीन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? अब बेटा ये तो हमारी इस तरीके की चीज़ हो गई, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा ना, कई कई इस तरीके के होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो लेंथ में इतना था, अगर मैंने उसको यहाँ पे कोई वेट लगा दिया तो अब इसकी जो चीज़ है ना वो इतने डायमेंशन की उसमें होगी। पहले अगर इसका इतना एरिया डायमेंशन था, अब उसका इतना सा ही रह गया,
प्लस उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को किसने दिया पहले? अब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे ना अभी तक लेंथ के, उसमें वो तो हम ये कह रहे थे इतनी लेंथ वायर है और फिर वो इतनी हो गई, हमने इसके डायमेंशन के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। तो जब डायमेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे इसके अंदर बेटा, तो उस टाइम पर उस मतलब कॉन्स्टेंट को क्या बोलेंगे? पॉइजन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो एक रह गया है आपका, उसको भी कर लीजिए। वो आपका क्या है लिख लीजिए, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो के अंदर बेटा आपने क्या चीज़ ध्यान में दी कि इसके अंदर जो हमारा ये पूरी चीज़ थी, ठीक है, एक तो इसके यहाँ पे इतना जो डायमेंशन था वो कम हो गया, ठीक है, और एक इसकी लेंथ भी हमारी पहले एल थी कैपिटल और अब स्मॉल एल और इसमें इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल और इसमें इंक्रीज हो गई, ठीक है। पहले डायमेंशन कैपिटल डी था, अब इतना डायमेंशन कम हो गया, तो डी माइनस में डेल आपका डी आपका इसमें डायमेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा ये जो डायमेंशन के अंदर ये वाली जो चेंजेस आई है ना हमारी, ठीक है, लेटरल डायमेंशंस पर यूनिट, लेटरल डायमेंशन अगर हमारा चेंज आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। और अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल के अंदर अगर चेंज आ रहा है हमारे डायमेंशन उसमें, उसको क्या बोलेंगे हमारा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि नीचे फोर्स लगा रहे, तो उसके लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बेटा जो फॉर्मूला बनता है आपका पॉइजन रेशियो का, वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ठीक है। द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन अलोंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन and the change in lateral, ठीक है। ये जो लेटी हुई चीज़ बोल सकते हो आप इसके अंदर समझने के लिए, तो ये जो डायमेंशन है जब ये इतना हो गया उसको क्या बोलते हैं आपके, lateral strain, ठीक है। the lateral dimension per unit lateral डायमेंशन, चेंज कितना आया और अपॉन में ओरिजिनल जो लेटरल डायमेंशन है वो, ठीक है। लेटरल डायमेंशन अगर डी था तो डी में से ये कितना चेंज हुआ आपका, तो उस चेंज को बताएंगे। तो चेंज अपॉन में ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, डायमेंशन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी तो इसके बारे में बता दिया मैंने, अब आगे लिखिए, आगे क्या बताएंगे इसमें देखो। तो ये हमारा ये हो गया, अब इसके बारे में भी तो लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक फिगर बना लीजिए कि इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हमारा था और ये बढ़ता हुआ अब इसकी लेंथ क्योंकि बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पहले इतना था सिलेंडर और क्योंकि इसकी ये कम कर गई तो ये स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। ये जितना स्ट्रेच हुआ है उसको स्मॉल एल बोलते हैं। पहले इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, पहले इसका डायमेंशन पूरा बेटा कितना था, डी था, और अब मैंने इसका डायमेंशन ये कम कर दिया स्मॉल डी, तो अब इसका डायमेंशन कितना हो गया, ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ ए मटीरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये भी कैसा होता है बेटा, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। एंड इज ए कॉन्स्टेंट फॉर दैट मटीरियल, जो इस तरीके के हो जाते हैं उसके लिए ये कैसा होता है हमारा, कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू बीटा बाय ए, जहाँ पे आपका जो बीटा है आप उसको लिखोगे कि बीटा हमारा क्या है, लेटरल स्ट्रेन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है आपका, अल्फा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का फिगर ले रहे हो तो इसके अंदर कितना आ रहा है आपका लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन यानी कि उसके डायमेंशन में कितना चेंज आया, वो कम हो रहा है। देखो ये जो डायमेंशन है ये कम हो रहा है, कम के लिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। कितना कम हो रहा है, डी कम हो रहा है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन हमारा कितना था, इसका डायमीटर कैपिटल डी था, अपॉन में लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, स्मॉल एल इंक्रीज हो रही है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में कैपिटल एल इंटू डी और यहाँ पे स्मॉल एल इंटू में डी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन है वो पता चल रहा है ना, कम हो रहा है, ठीक है। आप उसके लिए भी बता सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल साइंस जो है, स्ट्रेन जो है, वो आपस में म्यूचुअली अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू को नेगेटिव होनी पड़ेगी, ये भी आप इसके अंदर बोल सकते हो। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप बता, जो आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, स्ट्रेंस हैं, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। इट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी एंड हैज नो यूनिट्स, ठीक है। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और किसी भी वैल्यू, जो भी आपका पॉइजन रेशियो है, ठीक है, वो उसके मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू 0.2 से 4 के बीच में होती है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल एंड फॉर मोस्ट ऑफ मटीरियल इट इज लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.4, ठीक है। इनकी वैल्यू इतनी होती है, इसके बीच में ही हमें इसकी वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन कोई भी इनकम्प्रेसिबल अगर आपकी परफेक्ट बॉडी है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ठीक है। फॉर इनकम्प्रेसिबल परफेक्टली बॉडी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।